जय माता दी। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई आखिर अधूरी क्यों रहती है या रुक रुक करके पढ़ाई पूरी होती है और उसका आगे जाकर के कोई लाभ भी नहीं मिलता। अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो पढ़ाई या तो अधूरी रह जाएगी, अगर पूरी हो भी गई तो वो अपने पिता के साथ दुकान संभाल रहा होता है, यानी कि इंजीनियर बन नहीं पाता। जिस फील्ड में पढ़ाई रहती है उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, ऐसे क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे, उपाय भी जानेंगे। बृहस्पति देव पढ़ाई लिखाई के लिए देखना बेहद ज़रूरी है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जो पढ़ाई लिखाई के विषय पर होती है। इसके ऊपर पहले भी वीडियोज़ बना चुके हैं। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति देव बहुत खराब अवस्था में हो, बृहस्पति का पितर दोष भी बना हो, यानी कि नौवें या बारहवें घर के अंदर अगर बृहस्पति के दुश्मन बुध शुक्र या राहु जाकर के बैठ जाए तो बृहस्पति का पितर दोष है। एक जन्म कुंडली का लो है, बृहस्पति पहले घर में हो, नौवें बारहवें घर के अंदर या पांचवें दूसरे घर के अंदर बृहस्पति के दुश्मन चले जाए तो कहते हैं कि इंसान ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करता। अगर कैसे भी कैसे कर भी ले तो उसका लाभ तो है ही नहीं उसको। तो बृहस्पति देव का पितर दोष बनना या बृहस्पति का कुंडली में अपने दुश्मनों के साथ खास करके राहु के साथ संबंध में आ जाना, यही योग एक ऐसा योग होता है जो बृहस्पति के अरसे से, यानी कि 16 साल से 21 साल का समय जो मेन बच्चे की पढ़ाई का होता है, उसके करियर को लेकर के डिसीजन लेने वाला होता है, उसको खराब करता है, उसके अंदर रुकावट विघ्न उसका लाभ नहीं मिलने देता। जिसके खराब सिम्टम्स घर के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, घर में हमेशा कलेश रहना, बच्चे के स्वभाव में मनमर्जी बहुत ज़्यादा होना, घर के जो बुजुर्ग रहे हैं उनका गृहस्थ जीवन या तो मंदा होना या उनका चाल चलन खराब होना, और जीवन में चाल चलन की खराबी के कारण कई बार बदनामियों के योग बनना, जिसके कारण अपने आसपास के माहौल में एक मान सम्मान की कमी बुजुर्गों को देखने को मिलना, ये बृहस्पति का बेहद खराब रूप है। जिसमें ऐसे में बृहस्पति के इलाज करना पितरदोष के बेहद जरूरी है। जिन लोगों को भी ये दिक्कतें आ रही है जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो जरूर कीजिए, जरूर लाभ होगा बच्चों की पढ़ाई में, नहीं तो ये पितरदोष आगे जा करके आपके बच्चों को भी खराब फल देगा, उनकी पढ़ाई में भी दिक्कतें और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। करना क्या है, हर साल का कोई भी एक बृहस्पतिवार का दिन चुन लीजिए, उस दिन के अंदर पीली दाल, चने की दाल, एक पीला कपड़ा धोती कुर्ता ले सकते हो, चने की दाल, हो सके तो एक सोने का चकोर टुकड़ा अगर आप समर्थ हो उसके अनुसार, और साथ ही थोड़ा सा केसर, हल्दी, ये चीज़ें लेकर के मंदिर के किसी भी बुजुर्ग पंडित जिसके बाल सफ़ेद हो और मंदिर के अंदर ही वो रहता हो, भगवान की देखरेख पूजा पाठ दिन भर करता हो, उसको दे करके अपनी गलतियों की क्षमा उससे जरूर मांगो, घर की सुख समृद्धि की कामना करो। ऐसे लोगों के घरों में पैसा भी नहीं टिकता, घर में कलेश भी होते हैं, बदनामियाँ भी होती है, और साथ ही ऐसे लोग अगर 43 दिन लगातार चने की दाल 400 ग्राम लेकर इसको चलती हुई नदी में जल प्रवाह करते हैं तो बहुत लाभ होगा। जिनके घरों के पास नदी नहीं है वो 43 दिन 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में दीजिए, और हर रोज़ केसर का तिलक जो हम हर वीडियो में बताते हैं वो भी लगाइए। ये उपाय करने से घर में कलेश खत्म हो गए, सुख समृद्धि आएगी, रुपया पैसा आएगा, बच्चे पढ़ाई पूरी करेंगे, पढ़ाई का लाभ उठाएंगे। ये 43 दिन का उपाय और पितरदोष का उपाय करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके कि आपको कितना लाभ हुआ। इसी तरह से हम और भी विषयों पर जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।